शूटिंग के बाद लॉकडाउन पर मैरीलैंड स्कूल 3 घायल। काउंटी शेरिफ माता पिता को परिसर से दूर रहने के लिए कहता है। मैरीलैंड के यूएस राज्य के एक हाई स्कूल के परिसर में ग्रैंड मिल्स हाई स्कूल में मंगलवार की सुबह एक शूटिंग शुरू हुई थी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि घटना निहित थी। सेंट मैरी काउंटी शेरिफ के कार्यालय ने घटना की पुष्टि की और ट्विटर पर माता पिता से आग्रह किया। काउंटी शेरिफ की प्रवक्ता जूली इंगलिंग ने बताया कि शूटर सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। शूटिंग में कोई मौत नहीं हुई है। इंगलिंग ने कहा कि 2 पीड़ितों को गोली मार दी गई, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शूटर कैसा घायल हो गया। उन्हें 3 घायल होने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं थी। सभी 3 को अस्पतालों में ले जाया गया है। सेंट मैरी काउंटी पब्लिक स्कूल्स ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि स्कूल लॉकडाउन पर था और इस घटना को निहित किया गया है, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। 8:00 बजे स्थानीय समय के बाद स्कूल के एक छात्र जोनाथन फ्रीस ने कहा, यह बहुत जल्दी हुआ। स्कूल के ठीक बाद शुरू हुआ, पुलिस आए और वास्तव में जल्दी जवाब दिया। फ्रीस कहा, अभी पुलिस कक्षाओं के माध्यम से जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जल्द ही हम स्कूल से एस्कॉर्ट हो जाएंगे। एफबीआई एजेंट स्थानीय शेरीफ के कार्यालय की सहायता के लिए हाई स्कूल में शूटिंग के दृश्य पर हैं। शराब, तंबाकू और आग्नेयास्त्रों के ब्यूरो से संघीय एजेंट भी स्कूल में भेजे गए हैं। ग्रेट मिल्स की घटना, फ्लोरिडा हाई स्कूल में 14 छात्रों और 3 वयस्क कर्मचारियों के सदस्यों के मृत होने के बाद की शूटिंग के 5 सप्ताह बाद आता है। मैरीलैंड के गवर्नर लैरी होगन और प्रतिनिधि स्टेनी होर ने ट्वीट किया है कि वे रिपोर्ट की निगरानी कर रहे हैं और आग्रह किया कि लोग घटनास्थल पर स्थानीय कानून प्रवर्तन के निर्देशों का पालन करने के लिए